नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया, राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 लाख कर्मचारी तथा 48,000 स्थायी कर्मचारियों का भविष्य न्यू पेंशन योजना 2005 के माध्यम से निजी हाथों में सौंप दी है। सरकारी कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह न्यू पेंशन योजना के नाम से वेतन का 10% काटा जाता है और सरकार 14% जमा कराती है। अन्य कटौती अलग से होती है। उक्त संस्था कर्मचारी एवं स्थायी कर्मचारियों का करोड़ों अरबों रुपए जमा कर चुकी है, लेकिन यदि कर्मचारी के आकस्मिक कार्य पड़ जाए या अचानक कोई अप्रिय घटना हो जाए तो एक पैसा निकालने का प्रावधान संस्था द्वारा नहीं किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा इस सरकार ने छीन लिया है। अपने आप को कर्मचारी हितैषी बताने वाली सरकार कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। इन सारी समस्याओं को लेकर 22 दिसंबर को चिनार पार्क से विधानसभा के लिए कर्मचारी निकलकर शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। कर्मचारी हितैषी का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही कर्मचारी अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके कटौती का पैसा और पेंशन के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के 6 लाख कर्मचारी और 48,000 स्थायी कर्मियों का भविष्य निजी हाथों में सौंप दिया है। NSDL ट्रस्ट एक निजी संस्था है जिसको पेंशन और कटौती का पैसा जमा करने का अधिकार दिया गया है। कर्मचारी को यदि आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो पैसा अपने जमा पूंजी में से निकालने का कोई नियम नहीं है और पेंशन भी 500 से 1,000 रुपए मात्र बनाई जा रही है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो रहा है। कर्मचारी पेंशन के लिए और जमा पूंजी के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, जबकि दूसरे राज्य पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि में पुरानी पेंशन योजना ही लागू है और भारत सरकार भी अपने राजपत्र में स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य सरकार बंधनकारी नहीं है कि न्यू पेंशन योजना लागू करे। फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चेती है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी नहीं कर रही है, जिस कारण विवश होकर प्रदेश के कर्मचारियों को निर्णय लेना पड़ा है कि आगामी विधानसभा सत्र में 22 दिसंबर को चिनार पार्क लिंक रोड नंबर 1 से विशाल महारैली निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की जाएगी कि न्यू पेंशन योजना 2005 तत्काल वापस ली जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, जिससे 6 लाख 6.5 लाख कर्मचारियों का अंधकार में गया भविष्य उज्जवल हो सके, उनको उनकी जमा पूंजी वाजिब रूप में मिल सके और सम्मानजनक पेंशन प्राप्त हो सके। इसी मांग को लेकर ये संघर्ष आंदोलन शुरू किया गया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।